सो गाइज़, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल इंडियन जॉइंट फैमिली में। एंड अभी तक जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि आम का सीज़न चल रहा है तो घर पे कच्चे आम आए हैं, तो मैं हर बार की तरह मीठे आम का अचार, मतलब मींस हरे आम का मीठा अचार डाल रही हूँ, जो कि मैं हर बार डालती हूँ। और इसको अगर आप पराठों के साथ खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सो मैं इसी ही सब सोच के हमेशा मीठा आम का अचार ज़रूर बनाती हूँ। सो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी बनाते होंगे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ और आप लोगों को मेरे बनाने का तरीका कैसा लगता है। तो सो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, तो सो आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, ये मेरे पास आम है जो कि ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया था इसका, और ये 3 किलो आम है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लूँगी, ये मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है और मैंने सरसों का तेल लिया है। तो सो आप देख सकते हो मैंने ये सरसों का तेल लिया है। तो दोस्तों, ये मैंने 1 चम्मच हींग ली है, एंड ये थोड़ी सी हल्दी मैंने आम में मिला रखी थी, तो ये 1/2 चम्मच हल्दी ली है। और इसके बाद मैंने ये आम लिया है, इसको मुझे ढककर 5 मिनट पकाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो धूप में भी बहुत अच्छा अचार बनता है, पर उसको बनने के लिए 10-15 दिन लग जाते हैं। और ये अचार भी आप साथ के साथ खाना स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगी, पर 5 मिनट में मैं इसको एक बार ज़रूर चलाऊंगी, मतलब मींस हमें चेक करना है इसको। और आँच का फ्लेम मैंने मीडियम कर रखा है। इसको गुड़ के साथ भी बना सकते हो और चीनी के साथ भी बना सकते हो। ये चीनी है, और इस 3 किलो आम में मैं ये 1.5 किलो चीनी ले रही हूँ। इसकी चाशनी तब तक बन जाएगी। और इसमें मैंने पूरा 1 गिलास ये पानी डाला है। तो दोस्तों, मेरी जो चीनी की चाशनी थी वो ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है, और इसको मैं डालूंगी अपने आम में। और आम भी ये देखो, मैंने 5 मिनट रखा था और इतना सॉफ्ट, मेरा आम टाइट वाला नहीं था तो ये सॉफ्ट हो गया है जितना कि मुझे ज़रूरत थी। तो इसके बाद मैं इसे पलट लूँगी इसमें। तो दोस्तों, ये मैंने पीली सरसों ली थी, ये मैंने 50 ग्राम ली थी, और इसको मैंने थोड़ा दरदरा पीस लिया था। तो इसको सारी को मैं डाल दूँगी। के बाद मैंने ये 20 ग्राम के आसपास धनिया लिया है, धनिया पाउडर, तो ये भी जाएगा मेरे अचार में। जीरा सोप और मेथी दाना, इसको मैंने रोस्ट किया था। रोस्ट के बाद मैंने इसको हल्का दरदरा पीसा है मिक्सी में, और ये मैंने कम से कम 20-20 ग्राम दो तीनों चीज़ें ली थी। ये लाल मिर्च है, और लाल मिर्च मैंने 2 चम्मच ली थी। और ये सॉल्ट है जो कि नॉर्मल 2 चम्मच नॉर्मल सॉल्ट है जो कि हम डेली इस्तेमाल करते हैं। और ये काला नमक है और सेंधा नमक भी है, तो ये मैंने 2-2 चम्मच लिए हैं तीनों ही। ये अपना अपना काम करेंगे। इसके बाद मुझे इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट तक हम इसको गैस पर पकाएंगे। जब मसालों की अच्छी खुशबू आपको लगने लगे और एक बार बबल्स बन जाएं चाशनी में आम के साथ, तो आपको स्टॉप कर देनी है गैस को।
इसको एक बार अच्छी तरह चला लोगे आप, मिला लोगे। तो दोस्तों ये अचार मेरा बनके तैयार हो गया है और इसको फ्लेम को कर दूंगी मैं बंद। और इसके बाद ये एक कप विनेगर है, सफ़ेद सिरका है, जिसको मैं ऐड करूंगी अचार में। इससे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अचार लंबे टाइम तक भी स्टोर करके रखोगे तो ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो आप एक कांच के कंटेनर में या एकदम सूखा हुआ होना चाहिए तो स्टोर करके इसको रख दोगे और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलने वाला अचार है। तो दोस्तों कैसी लगी रेसिपी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना एंड थैंक यू।